इसके बारे में किसी कैसे लिखा जाएगा और उससे संबंधित डेवलपमेंट क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे, जो किस किस विधि को काम में लेते हुए किए जाएंगे, इसी के लिए हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, जिसमें एक छोटी सी पंक्तियों के माध्यम से या दो पंक्तियों के पेड़ शॉर्ट समरी के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पर ये शोइंग, तो ये सेंटेंस हम बोर्ड पर लिख सकते भी हैं, यहाँ पर चार्ट पर इसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं, और अगर हमने स्लाइड बनाई है तो उसके द्वारा भी हम बता सकते हैं, और किसी माध्यम के द्वारा भी हम इसे छोटी सी कहानी या किसी और चीज़ के द्वारा भी हम ऐसे एग्जांपल देकर के इस काम को कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि आप जब ग्रामर से संबंधित जिस भी टॉपिक को लें, यानी यहाँ पर जो बात कही है सेलेक्टिव टॉपिक, जिस भी टॉपिक को हम लेते हैं उसी से संबंधित आपके जो कोर्स में किताबें दी हुई हैं एनसीटी और राजस्थान बोर्ड में और अन्य बोर्ड में जो ग्रामर की बुक्स दी हुई हैं उनमें इनके बहुत अच्छे से सेंटेंस और वाक्य और पैराग्राफ और उदाहरण दिए हुए होते हैं। आप उसे लिखने में इस फॉर्मेट की सहायता से उनको जोड़ते हुए एक अच्छी बात का निर्माण कर सकते हैं, वो विविध भाषाओं में आपको आराम से उपलब्ध हो सकती है, जो बच्चों के सिलेबस में होती है। बस काम आपको इस फॉर्मेट को आधार बनाते हुए करना होता है। यहाँ पर ये जो लिखा है, अमन वेंटेड टू आगरा एंड विजिटेड द ताजमहल विद हिज फैमिली, क्लिक सम पिक्चर्स विद देयर फोन कैमरा। यहाँ पर जो इस सेंटेंस के माध्यम से ये बताया गया है कि अमन अपने परिवार के साथ आगरा ताजमहल देखने के लिए गया और वहाँ पर उसने कुछ तस्वीरें अपने फोन और कैमरा से खींची। इस छोटी सी पंक्ति को आधार मानते हुए यहाँ पर कुछ शब्दों को हाईलाइट किया गया है और अंडरलाइन किया गया है। चाहे तो हम यहाँ पर जैसे छोटी क्लासेस में यूज़ में होता है पिक्चर्स भी शो कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं और किसी भी तरीके को अपना सकते हैं। यहाँ पर हम इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, रीड द अंडरलाइन वर्ड्स। तो जितने भी शब्द यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए हैं वो सब शब्द यहाँ पर पढ़वाने होते हैं, वो किसी से भी पढ़वाए जा सकते हैं। उस प्रक्रिया को पूछने के बाद जितने भी हमारे शब्द आए वो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स वाले कॉलम में लिखने होते हैं, और जब हम पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें बोर्ड पर भी ये सारे शब्द लिखने होते हैं जो इसके अंतर्गत रेखांकित किए हुए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं। फिर इनसे संबंधित हम प्रश्न प्रक्रिया, यानी हमारा पहला प्रश्न तो ये हो गया, तरीके में अंतर हो सकता है, हम प्रश्न कैसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमने दूसरा प्रश्न बताया है कि कैसे लिखा जाएगा, विच वर्ड इज यूज फॉर नेम ऑफ पर्सन। अब यहाँ पर ये जो वाक्य लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें और कहीं भी पर्सन के लिए शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये पर्सन शब्द आराम से आपको बता दिया जाएगा। ऐसे कम से कम हमें 4 से 5 सेंटेंसेस जो सिर्फ पर्सन से रिलेटेड हों, प्लेस से रिलेटेड हों, बिल्डिंग से रिलेटेड हो या फिर थिंग्स से रिलेटेड हो, इनसे रिलेटेड और भावों से रिलेटेड जो भी हैं उन सबको हमें अलग अलग, यानी एक चीज़ से संबंधित कम से कम 4 या 5 सेंटेंसेस होने चाहिए अगर हम नाम से रिलेटेड यहाँ पर लेसन प्लान बनाते हैं। मात्र एक इस सेंटेंस के आधार पर हम कंप्लीट पार्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते। ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये उत्तर आ गए हमारे इस पैराग्राफ के आधार पर, लेकिन जब हम पाठ बनाएंगे तो इस उदाहरण को आधार मानते हुए ऐसे हम स्वतंत्र बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक एक सेंटेंस भी हो सकते हैं या और कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरह सबको लेने के बाद यहाँ पर ये प्रक्रिया करने के बाद में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर है डिटरमाइन द रूल्स। यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी टीचर द्वारा की जाती है जो विद्यार्थियों के द्वारा संपन्न की जाती है। यहाँ पर आपको जो बात बताई गई कि व्यक्ति स्थान और जो बिल्डिंग है और वस्तुएं हैं भाव हैं इनके आधार पर आपको
सेंटेंस बनाने होते हैं, चित्र मानचित्र या प्रैक्टिकल वस्तु प्रदर्शन कुछ भी करके आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इनको जो दिखाया हमने एक एक के मान लो चार चार या पांच पांच एग्जांपल्स लिए, जैसे अभी यहाँ पर कंबाइंड में लिया है, ऐसे हमको अलग अलग लेने चाहिए जब हम सिर्फ नाउन से संबंधित पार्ट पढ़ा रहे हैं। फिर यहाँ पर इसके आधार पर जो उत्तर आए, यानी इससे संबंधित चार उत्तर आ गए, इससे संबंधित चार आ गए, इससे संबंधित चार या इससे संबंधित चार, तो वो वहाँ पर लिख दिए गए। लिखने के बाद हम इस किए हुए कार्य को आधार में रखते हुए, यानी जो बोर्ड पर हमने लिखा बच्चों की सहायता से या किसी भी जो टेक्निक्स हमने मैक्सिम्स जो यूज में लिए उनके सहायता से जो हमने काम किया उसको आधार मानते हुए छात्र अध्यापक बच्चों से नियम निर्धारण करवाने के लिए पूछता है, प्रेरित करता है, उनको पूछता है कि हमने अभी काम किया, इस सब काम के बेस पर हम ग्रामर में इसको किस नाम से जाना जाता है ये पूछने का प्रयास करता है। द पीपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस पॉइंट इन रिटर्न वर्क, यानी कि जो रिटर्न वर्क है जो बोर्ड पर भी किया हुआ है, जो बच्चों ने अपने नोटबुक में भी लिखा है, उसके आधार पर पूछता है नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स एंड आस्क व्हाट विल से दीज वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर, यानी जिस भी विषय से संबंधित पार्ट में हम ये व्याकरण संबंधी काम पूछेंगे तो यहाँ पर जो भी टॉपिक है उससे संबंधित चीज़ें यहाँ पर लिखी जाएंगी इनको पूछते हुए। जैसे यहाँ पर जो भी लिखा है तो पर्सन प्लेस थिंग्स वही क्रम है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम पूछेंगे और फिर इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ इसलिए की जाती है ग्रामर में, जैसे हमने बोला कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि स्टूडेंट और टीचर दोनों ही सक्रिय होते हैं, दोनों ही एक्टिव होते हैं। क्योंकि अगर चार बार हमने सेंटेंस या क्लास के बच्चों के नाम या किसी भी प्रकार को हमने काम में लिया तो वहाँ पर बच्चे भी जवाब दे रहे हैं और टीचर भी बोर्ड पर लिख रहा है, तो इस आधार पर वो दोनों सक्रिय होने से फिर एक ही चीज़ चार बार दोहराई जा रही है, फिर दूसरे में दूसरी चीज़ें पूछी जा रही है, फिर तीसरे में अलग चीज़ें पूछी जा रही है, यहाँ पर अलग चीज़ पूछी जा रही है, तो इसी को बेस रखते हुए हम ये प्रक्रिया करते हैं ताकि हम ये बोल पाएँ कि ये चीज़ें जब इस तरह से हो रही है कॉमन क्या है, इसमें सारी चीज़ें पर्सन कॉमन हो गया, इसमें प्लेस कॉमन हो गया, इसमें बिल्डिंग कॉमन हो गई और इसमें वस्तुएं कॉमन हो गई, तो इन सब के बेस पर ही जो पूछा जाता है कि इन सब कॉमन चीज़ों को ग्रामर की भाषा में अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है, यही चीज़ हम हिंदी अंग्रेजी और उर्दू जो भी भाषाएँ हैं अपनी गुजराती वगैरह उन सब में हम ये पूछेंगे। और डायरी में इस तरह से ये सेंटेंस लिखा जाएगा, स्टूडेंट्स विल ट्राई टू गिव आंसर अकॉर्डिंग टू टीचर्स इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर यही शब्द वापस आएंगे और फिर यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ नाउन, फिर इसके आगे की प्रक्रिया ये होगी कि बच्चों द्वारा जो भी परिभाषा दी गई है वो पूर्ण है या अपूर्ण है वो डायरी में हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखनी होती है, इसके लिए हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप वेट करें और सुंदर सुंदर इसे लिख करके और समझने का प्रयास करें ताकि